पिंपल्स, टैनिंग, डार्क स्पॉट सबसे छुटकारा चाहिए आपको, लेकिन अभी तक आप साबुन यूज करते थे अपने फेस पे, उसके बाद आपको पता लगा कि फेस वॉश नाम की चीज होती है, फिर आपने यूट्यूब पे सारे स्किन वाले वीडियोस देख लिए, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता चला कि आपकी स्किन के हिसाब से एंड आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो गलत प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करो यार, मैं बताता हूँ कौन से सही हैं। व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूँ सैम कालरा एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समर्स के बेस्ट स्किन केयर रूटीन में आपको कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और ये प्रोडक्ट मैंने पहले खुद यूज करे हुए हैं, मैं तभी आपको बता रहा हूँ, और इसमें से एक भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। और हाँ, ये टमाटर बेसन लगाने से मच बेटर है। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से एक घंटा पहले करने होते हैं, और इसमें सिर्फ 10 मिनट लगता है। सबसे पहला स्टेप है फेस को क्लीन करना, और इस काम के लिए आपको फेस वॉश नहीं यूज करना, आपको फेस क्लेंजर यूज करना है। फेस वॉश आपके चेहरे से सारे ही ऑयल्स निकाल देता है, वो नहीं चाहिए आपको। फेस क्लेंजर चाहिए जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर के ऑयल्स एंड डर्ट निकाले। और ये सब प्रोडक्ट्स आपको अपने स्किन के टाइप के हिसाब से लेने होते हैं। अगर आपको अपना स्किन का टाइप नहीं पता तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आजकल लोगों को ना रैंडमली हर्बल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेने का शौक चढ़ा हुआ है, और कुछ यूट्यूबर्स बिल्कुल बिना साइंस को समझे रैंडमली बोलते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही यूज करो। यार, साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह सब गधे थोड़ी ना है जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। आपके प्रोडक्ट्स में बस गंदे सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि सल्फेट, पैराबेन, ये सब नहीं होने चाहिए। आपका प्रोडक्ट नॉन कमीडोजेनिक होना चाहिए, आपके पोर्स को ब्लॉक ना करें। मैं रेकमेंड करूंगा आप यूज करो बायोटिक का बायो हनी वाला जेल क्लेंजर। इसके अंदर ना झाग वगैरह नहीं बनते, फोमिंग कम होती है इसमें, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है स्किन पे। मैं इसको जनरली मॉर्निंग्स में यूज करता हूँ, बट आप सुबह शाम यूज कर सकते हो, बहुत सस्ता भी है और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए। एक और बहुत शानदार क्लेंजर जो कि मैं 2019-20 में यूज करता था, वो है सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर। ये थोड़ा सा ज्यादा महंगा है बट एकदम वर्थ इट है, और इसमें ऑयली एंड सेंसिटिव वाले वर्जन भी आते हैं। अगर आपकी बजट थोड़ी सी ज्यादा है तो आप फॉरेस्ट एसेंशियल्स भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा महंगा है और मेरे को तो एज अ गिफ्ट मिला था, तो मैं इसको बहुत रेयरली यूज करता हूँ, कभी कभी नाइट्स में, बट इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है एंड ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। बाय द वे, सारे क्लेंजर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। फेस को क्लीन करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सफोलिएशन, मतलब कि जो आपके फेस पे जिद्दी डर्ट और डेड स्किन सेल्स चिपके हुए हैं उनको रगड़ रगड़ के हटाना। अब जनरली लोग इसमें फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करते हैं, जिसका मतलब वो जो स्क्रब्स होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल घिस देते हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करने का ना कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करो। मतलब कि ना वो कुछ जेंटल हल्की सी एसिड्स होती हैं जो आप फेस पे लगाते हो और वो जो आपकी डेड स्किन है उसको डिसॉल्व कर देती हैं। तो मैं यूज करता हूं मिनिमलिस्ट की 2% सैलिसिलिक एसिड। ये तब मैं यूज करता हूं जब मुझे ज्यादा पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं या फिर मॉनसून टाइम में जब ज्यादा ऑयली फेस होता है। ये पिंपल्स, ऑयली स्किन एंड वो बड़े जो पोर्स आते हैं फेस पे, उन पे जादू की तरह काम करता है। लेकिन याद रखना, आप जब भी ले रहे हो कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट तो अपनी स्किन टाइप एंड अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से लेना, और लेने से पहले प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कर लेना, एक स्किन डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना। वैसे इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लाइक्स करवा दो 4000। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीरम, मतलब कि स्किन के दुश्मनों से लड़ने के लिए, जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, स्पॉट्स, फलाना ढिमकाना, नीमराना। अब यार, मेरे हिसाब से आपको ना अपने फेस वॉश, मॉइस्चराइजर वगैरह अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं लेने चाहिए, वो आपको बेसिक लेने चाहिए, और सीरम आपको लेना चाहिए अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे कि मैं मॉर्निंग्स में यूज करता हूँ मिनिमलिस्ट का नायसिनमाइड 5% प्लस हाइलुरोनिक एसिड 1%, सही प्रोनाउंस किया ना ये, हाँ। बट मैं ये इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये हर टाइप की स्किन प्रॉब्लम से लड़ता है। यार, मैं इसको मॉर्निंग्स में यूज करता हूँ, मेरी स्किन पे जादू कर चुका है। अगर आपको लेना है तो आपकी एज 18 ईयर से अबव ही होनी चाहिए कोई भी सीरम लेने के लिए, और एक स्किन डॉक्टर से पहले जरूर कंसल्ट कर लेना। एक और सीरम जो मैं नाइट टाइम में यूज करता हूँ वो है मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल, जो कि एजिंग के साइन से फाइट करता है। तो अगर आपकी एज 24 ईयर्स हो चुकी है तो ये यूज करना शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि भाई एजिंग ना बहुत जल्दी चेहरे पे दिखने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है टोनर यूज करना, लेकिन इसकी उतनी जरूरत नहीं है आपको अगर आप फेस क्लेंजर ही यूज कर रहे हो, क्योंकि जनरली फेस वॉश जब आप करते थे पुराने टाइप के तो वो ना आपकी फेस को कुछ ज्यादा ही डिहाइड्रेट कर देते थे, उसमें से पानी निकाल देते थे, जो कि फेस क्लेंजर नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप किसी दिन एक्सफोलिएट कर रहे हो या फिर कोई जबरदस्त फेस वॉश यूज कर लिया आपने, तो आपको टोनर यूज कर लेना चाहिए, बट कोई बेसिक जेंटल सा ही यूज करना, वो गुलाबरी वाला मत यूज कर लेना, वो बिल्कुल आपके, उससे अच्छा तो फेस पे परफ्यूम मार लो। आपके टोनर में अल्कोहल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप पी के भंड हो जाओगे, अल्कोहल बस आपके फेस पे आपको नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं अभी जूसी केमिस्ट्री का बल्गेरियन रोज वाटर टोनर, ये काफी महंगा है तो मैं खुद ने तो खरीदा नहीं, मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, और इसको लगा के ऐसा लगता है कि किसी ने फेस पे ऐसे किस किया एकदम, बट ये थोड़ा सा महंगा है। तो इससे पहले जो मैं यूज कर रहा था वो है गुड वाइब्स का रोज वाटर, ये भी बहुत शानदार काम करता है एंड ये अच्छी बजट में भी है। लेकिन अगर आपका बजट और भी कम है तो आप बायोटिक का भी यूज कर सकते हो, उसका बायो कुकुम्बर टोनर है,
ऑयली स्किन के लिए एंड उसका हनी टोनर है ड्राई स्किन के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर, जो कि बेसिकली आपने इससे पहले जितने स्टेप्स करे हैं और जो आपके फेस के अंदर हाइड्रेशन है उसको वो लॉक कर देता है एकदम, जैसे वो डब्बे में खाना डाल के मस्त एकदम उसके ऊपर वो पन्नी नहीं चढ़ाते रेस्टोरेंट वाले, बस वही काम करते हैं मॉइस्चराइजर पन्नी का। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाओ, जैसे कि ये बायोटिक का बायो वीट जर्म है मेरे पास, मेरा नहीं है, मम्मी का चुरा के दिखा रहा हूँ, बट इसकी स्मेल बहुत बढ़िया है एंड ये चिपचिपा भी नहीं है। एक और बहुत बढ़िया, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेटाफिल का एक बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर आता है जो कि डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं और ये मेडिकेटेड होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो आप ऑयल फ्री वाले मॉइस्चराइजर्स लगाओ, जैसे कि मामा अर्थ का बहुत बढ़िया है रात को लगाने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है। मैं पर्सनली मॉर्निंग्स में एक साल से यूज कर रहा हूँ ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल आपको। हाँ, सुबह मॉर्निंग्स में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली समर्स में, क्योंकि वो पसीने पसीने आते रहेंगे आपको, नहीं तो जेल बहुत लाइट होता है, ये बेटर होता है। बट अगर आपकी स्किन थोड़ी ज्यादा ऑयली और थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव भी है और आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट चाहिए अपने फेस पे, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। एक ग्रीन वर्थ कंपनी का एलोवेरा जेल आता है, एकदम प्योर होता है, बहुत बढ़िया है। बेसिकली मेरी स्किन थोड़ी सी एलर्जिक है तो मेरे लिए एलोवेरा जेल बेस्ट काम करता है। तो अगर आपको भी कभी लगता है कि आपको इचिंग हो रही है या रेड हो रहा है फेस, तो आप डेफिनेटली एलोवेरा जेल यूज करो। एंड आखिरी स्टेप है जादू की फेवरेट चीज से बचने के लिए, जो है धूप। अब सन ही है जो सबसे ज्यादा आपकी स्किन को नुकसान करता है, सारी स्किन प्रॉब्लम्स करता है। तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो आप इससे पहले के भी सारे प्रोडक्ट्स वेस्ट कर रहे हो। अब इसमें बजट में अगर आपको लेनी है तो बेस्ट आती है मामा अर्थ और एक और कंपनी है द मॉम्स को करके, इन दोनों की जो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा ना वाइट इसके अंदर कुछ रेजिड्यू छोड़ जाती है, बट हाँ वो वाइट भी थोड़ी देर में जब क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद वो चला जाता है वाइट दिखना। ये सब स्किन टाइप्स के लिए बढ़िया है, नॉन कमीडोजेनिक है वगैरह वगैरह सब अच्छा है। इसमें क्रीम अच्छी है, मेरे को बस एक चीज लगी कि इसकी बॉटल में जो उतनी अच्छी लगी, इसमें से क्रीम उतनी अच्छे से निकलती नहीं है, बस उतनी दिक्कत है मेरे को। एंड अगर आपकी बजट थोड़ी सी ज्यादा है तो मैंने जैसे इस साल यूज करनी शुरू करी है रिक्विल की अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल। ये बेसिकली ऑयली स्किन पे तो बहुत ही प्यारी लगती है, इसकी बहुत प्यारी फीलिंग है, ये थोड़ी सी ड्राई है तो उतनी चिपचिपी दिखती नहीं है बिल्कुल भी ये फेस पे। अब क्योंकि मेरे को ये थोड़ी सी महंगी लगती है तो मैं ये सिर्फ फेस पे लगाता हूँ और बाकी नेक और नेक के पीछे ईयर्स वगैरह पे मैं मामाअर्थ वाली ही लगाता हूँ। अब ये तो तब था अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मैं अपने सुबह के स्किन केयर रूटीन के बाद सनस्क्रीन जो लगाता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा दिन घर बैठने वाला हूँ तो सुबह फेस धोने के बाद मैं लगाता हूँ एरोमा मैजिक की एलोवेरा सनस्क्रीन जेल। इसका SPF मतलब कि आप मान लो इसकी सन से बचाने की ताकत, सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका सिर्फ 20 है, तो घर में बैठे रहने के लिए एकदम सही। अभी ऑयल ऑर्गेनिक है तो जो यहाँ पे फिट ट्यूबर देख के आया उसका तो खड़ा हो जाएगा, बट घर में ही अगर बैठना है मेरे को सिर्फ खिड़की की धूप से ही बचना है तो ये ठीक है। एंड इसमें एलोवेरा भी है तो स्किन पे ज्यादा इरिटेशन भी नहीं होती। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे अपना फेस वॉश उठा के मार दो, और यार आधे से ज्यादा लोग आप में से वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। एनीवे लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।